अगर आप अपने को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं तो साइकिल आपके लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। यह बात आज मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लखनऊ में आयोजित 14वें राष्ट्रीय साइकिल मेले का उद्घाटन करते हुए कही। उन्होंने कहा कि साइकिल ज़्यादातर गरीबों का साधन होता है, हमारा प्रयास यह है कि हम साइकिल चलाने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा उपलब्ध कराएँ। इसके लिए हम जगह जगह पर साइकिल ट्रैक भी बनवा रहे हैं। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि अब साइकिल चलाने में किसी को शर्म नहीं आती क्योंकि हमने साइकिल चलाकर सरकार बना ली। हम चाहते हैं, समाजवादी लोगों ने कोशिश भी की, प्रयास भी किया है, हालांकि जितने भी गरीब हैं उनका सबका साधन साइकिल है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, बुनकर भाई हो, नौजवान हो, सिपाही जवान, तमाम लोग हैं, जितने गरीब लोग हैं उनका अगर कोई साथी है तो वो साइकिल। और इधर न केवल अपने देश में, हालांकि गरीबी कारण हो सकता है हमारे देश में चलाने का साइकिल, लेकिन दुनिया में जो तरक्की कर गए देश वो भी इस कोशिश और प्रयास में है कि अब साइकिल उनके यहाँ और ज़्यादा से ज़्यादा चले, उसको बढ़ावा मिले। याद होगा साथी आपको, जब हमने ये कहा कि पुलिस के लोग साइकिल चलाएं और साइकिल से भी पेट्रोलिंग करें, कुछ गली मोहल्ले ऐसे हैं जहाँ नहीं जा सकते, अगर साइकिल से जा सकते हो तो साइकिल उनके लिए उपलब्ध हो, हालांकि बहुत लोगों ने हमारा समर्थन किया, लेकिन कुछ लोगों ने टिप्पणी भी कर दी उस पर कि साइकिल पर चलेगी पुलिस। और अभी मुझे खुशी हुई कि हालांकि उत्तर प्रदेश की जब ये योजना थी वो स्थान नहीं मिला, लेकिन जब अभी हरियाणा में, गुड़गांव में बड़े बड़े अधिकारी जब साइकिल चला रहे थे तो उन्हें स्थान वो मिला और खबर पूरे देश में गई। मुझे खुशी सबसे ज़्यादा इस बात की है कि वो साइकिल पे वरिष्ठ अधिकारी चल रहे थे। लखनऊ में प्रयास किया, दुनिया में तमाम शहर हैं जहाँ जाने का मौका मिला है, वहाँ देखा है कि किस तरीके से लोग साइकिल चलाते हैं, किस तरीके से उनको सुरक्षित रास्ता दिया गया है साइकिल चलाने के लिए, क्योंकि हमारा जो प्लानिंग है, जो ऑर्गेनाइजेशन हुआ, कहीं ना कहीं हम लोग वो उन चीज़ों को नहीं जोड़ पाए। हालांकि हमें मौका मिला, जब से सरकार बनी है कोशिश कर रहे हैं उसको कि अपने कुछ शहरों में कम से कम ये व्यवस्था ऐसी बन जाए जहां अगर साइकिल वाले लोग भी चलाना चाहें तो साइकिल चला सकें और सुरक्षित चला सकें। नई कॉलोनी जो बसें उसमें कम से कम ये कोशिश हो कि सड़क के साथ साथ पेडिस्ट्रियन और पेडिस्ट्रियन के साथ साथ साइकिल चलाने वालों का रास्ता भी उपलब्ध हो। साइकिल के गुण हमारे साइकिल वाले लोग जानते होंगे और जो चलाते हैं वो बेहतर जानते होंगे कि साइकिल का क्या क्या लाभ है। कुछ जगह हम लोगों ने कोशिश की है कि उनके बोर्ड भी लगवा दिए, कुछ साथी हमारे यहाँ बोर्ड लेकर के भी खड़े हैं। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइकिल चलाएं जिससे कि स्वस्थ रह सकें। और मैं अपने जितने भी कारखाने उद्योग से जुड़े हुए लोगों को ये भरोसा दिला सकता हूँ कि जहाँ तक सरकार की तरफ से अगर आप कुछ चाहते हैं, हालांकि वैट वगैरह कुछ कम किया है, अगर आपके कुछ सुझाव आएँ तो हम उन सुझावों को भी शामिल कर करके हमें कोई भी फैसला लेना पड़ेगा, साइकिल को बढ़ावा देने के लिए सरकार फैसला लेगी। क्योंकि थोड़ी सी दूरी अगर साइकिल से हम लोग शामिल कर सकें, जा सकें, तो अच्छी बात होगी। और कम से कम समाजवादी ने ये तो निकाल दिया कि साइकिल चलाने से शर्म नहीं आती अब, कुछ लोग संकोच करते थे, हमने साइकिल चला चला के सरकार बना ली और पुरानी सरकार रोकती रही है, उनकी सड़क की भी उद्घाटन हम ही लोगों ने किया साइकिल से। तो साइकिल जहाँ स्वास्थ्य अच्छा रखती है, साइकिल जो हमेशा साथी है गरीब का, और वहीं समाजवादियों का चुनाव चिन्ह भी है, इसलिए हम चूकेंगे नहीं, जो बढ़ावा दे सकते हैं हम इसको बढ़ावा देंगे।